बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र, राम मंदिर बनाने और तीन तलाक कानून लाने का वायदा दोहराया। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। 75 संकल्पों के साथ बीजेपी ने किया राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने का वादा, छोटे किसानों, कारोबारियों और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश, कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने का किया जिक्र। यदि हम लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के साथ ही विपक्ष ने बीजेपी पर किया हमला, बीजेपी मैनिफेस्टो को बताया झूठ का पुलिंदा। नेवी चीफ करमबीर सिंह का नियुक्ति मामला पहुंचा कोर्ट, वाइस एडमिरल विमल वर्मा ने कोर्ट में दायर की याचिका। भारतीय वायुसेना का दावा, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने के सबूत हमारे पास, भारतीय वायुसेना ने जारी की रडार की तस्वीरें। On the right, which is in the blue circle, is Abhinandan's aircraft. This is the radar picture at that point in time. And if we see the second picture, immediately after, there is no aircraft in that place which was first, the track which was there earlier in the earlier picture. Supreme Court ne PM Modi ki biopic par yachikakarta se pucha, bataen kis cheez se aapatti, 9 April ko agli sunwai. स्वदेशी धनुष तोप की पहली खेप भारतीय सेना में शामिल, तोप खाने को और मारक बनाएगी देश में बनी धनुष। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन कोर्ट से झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई अर्जी खारिज, अब कोर्ट में अपील करने का रास्ता बचा। शाहिद कपूर की मूवी कबीर सिंह का टीजर रिलीज, कुछ ही मिनटों में हुआ वायरल। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम का चयन 15 अप्रैल को मुंबई में होगी चयन समिति की बैठक। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।